गुड मॉर्निंग गाइस। अभी अभी मैं उठा हूँ और कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा सामान किधर गया। सामान अपनी रंगीन दुनिया का हसीन सामान। अभी दुनिया थोड़ी अच्छी लग रही है। पहले थोड़ी ऐसी क्या बोलते हैं उसको यार, हिंदी भी मेरे को ज्यादा वर्ड आते नहीं है। तो मैं उसमें मराठी घुसा देता हूँ बीच बीच में। तो चलिए, एक्चुअली कोई है नहीं यहाँ पे, हूँ मैं अकेला हूँ। हाँ, सैली भी गई हुई है गाँव में, तो अभी मुझे ही सब करना पड़ेगा। तो पहले तैयार होते हैं। अभी सुबह के कितने बजे यार? 5:30-6 बजे हो गए। 5:30 बजे आएंगे। हाँ, 5:45। ओके, तो ठीक है, अभी थोड़ा नहा के धोवा के आते हैं और फिर थोड़ा काम है। मैं आपको भी बताता हूँ मैं क्या करता हूँ सुबह उठ के। तो चलिए, थोड़ा तैयार हो के आते हैं। हेलो गाइस, विद ऑल पॉजिटिव एनर्जी अराउंड, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्थित मस्ती। सो गाइस, अभी अभी मैं नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ और बहुत सारे काम भी किए इन बिटवीन, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल शाम को मैं थोड़ा लेट आया था, पूरा थका हुआ था, बॉडी पेन हो रहा था, तो मैंने फटक से कुछ खा पी के सो गया। अभी खा पी के मतलब पानी पी के तो सो गया। उसके बाद मैं अभी लेट ही उठा हुआ आज एक्चुअली, तो नैनीशा नहा धो के रेडी हो गया, थोड़ा सा नैनीशरी पढ़ा। अच्छा लगता है एक्चुअली मुझे वो बुक पढ़ने में, थोड़ा स्पिरिचुअल बुक है और सही है, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप। फिर हाँ वो छोड़ो, अभी क्या हुआ है, नाश्ता करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ देख रहा हूँ खाने के लिए मिल जाएगा। तो मुझे ये मिला है क्या, ये क्रीमी क्रीम, क्या है इसका नाम, क्रीमी मैजिक, क्रीमी मैजिक नाम है इसका। अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ बनाऊँ फिर खाऊँ और फिर ऑफिस जाऊँ, इतना टाइम ही नहीं है अपने पास। लेकिन टूथपेस्ट में नमक नहीं था क्या, क्या गया, हाँ निकल गया। अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, एक हाथ से ऑपरेट करना, व्लॉगिंग करना और खाना, इतना इजी नहीं है। निकलना है, तो ये तो जाए सीधा ऑफिस के रास्ते में, या फिर ऑफिस में ही, ऑफिस में नहीं व्लॉगिंग करूँगा, ऑफिस में अलाउड ही नहीं आ रही है। तो ऑफिस के बाद हमको घर आके फिर से कंटिन्यू करते हैं। का पूरा शूट नहीं किया हुआ है, लाइक टाइम लैप्स डाला नहीं है। मैं अभी ऑफिस में गया था और ऑफिस से घर पे आके फिर से अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा बाहर। मैंने हाफ डे ले चुका है, लिया हुआ है मतलब, क्योंकि हमें एक्चुअली हमें यानी कि मुझे और मेरे दोस्त को एक जगह पे जाना है। वो आएगा तब मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। और अभी वो मैं भंडुप में रहता हूँ, वो नाहूर में रहता है, तो अगले स्टेशन पे उसको मैं पिक करूँगा। ओला जो है वो उन्होंने अरेंज की है जहाँ पे जिनके पास हमें जाना है अभी, तो अभी देखते हैं अभी कब पहुँचागा मैं वहाँ पे। ये देखो आ गया ये सब, ये कब से यार मतलब घाई घाई मंदिर बोल रहे घाई घाई मंदिर मतलब
फटाफट तयारी करा मला. मी तुला बोललो ना, तुला फोन करतो निघाल्यावरती. अजून कोण येणार? गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं गणेश भाई के लिए फ्लैट देखने के लिए. इसका चेहरा देखो भाई भाई. देखते हैं अभी कहाँ पे पहुंच जाते हैं. डोंबिवली में है लोकेशन अरुणवाल गार्डन्स का. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश की वजह से पूरे हाल हो चुके हैं. मुंबई में एक्चुअली हर साल ऐसे ही होता है. ये तो नाहूर का जो स्टेशन है, नाहूर स्टेशन, उसके नज़दीक वाला जो रोड है वहाँ पे है. रास्ता कम, खड्डी ज़्यादा नज़र आ रहे और बहुत तकलीफ़ होती है चलाने में गाड़ी. लेकिन क्या है, अभी उसके बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं वैसे. तो हम लोग अभी निकल रहे हैं. एक्चुअली ये जो लोकेशन है डोंबिवली में अरुणवाल गार्डन्स का, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है इन लोग का. तो अभी देखते हैं कि प्राइसिंग क्या है, फ्लैट कैसे है और लोकेलिटी कैसी है, ये सब हम लोग चेक करेंगे पहले. यार मेरे बाल भी बहुत बढ़ गए हैं आज, तो मैं पक्का इनको काटूँगा. बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये तो. हाँ, इसके लिए क्योंकि ये क्या है, बार बार घर में जब मैं वीडियो कॉल करता हूँ सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, यार बहुत बढ़ गया बहुत बढ़ गया. और एक्चुअली मैं बहुत बढ़ गया हूँ, सेट भी नहीं हो रहे ठीक से. तो अभी मैं आज घर पे जाके कितना भी देर हो जाए मैं ये काट के रहूँगा कुछ भी, क्योंकि मुझे तो लग रहा है अभी अभी 11:30 बजे हुए और हम लोग निकल चुके हैं. तो पता नहीं अभी आधे एक घंटे में पहुँचना चाहिए हमें. देखते कितने टाइम में पहुँचते हैं. और ये जो भाई है वो अभी देख रहा है फ्लैट में इन्वेस्ट करने के लिए. मुझे पता नहीं एक्चुअली फ्लैट में इन्वेस्ट करना कितना सही है और नहीं है, बट ठीक है, देख के आते हैं. पहले देखने के बाद ही समझेगा. ये देखो, ये मोबाइल में पड़ा हुआ है, ये दिन भर मोबाइल में पड़ा रहेगा, इसको कुछ लेना देना है नहीं. वहाँ पे पहुँचेंगे तब भी मुझे ही सब पूछना पड़ेगा कि क्या एरिया है, कैसा है सब. ये कुछ बोलेगा नहीं, ये अभी क्या बोलने का इसको. ये वैसे तो मेरे से बड़ा है लेकिन अभी क्या बोलूँ मैं इसको, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता एक्चुअली. वरना बाकी सब का कुछ नहीं, लेकिन इसका मोबाइल बहुत रहता है इसके हाथ में हमेशा. तो वो छोटे बच्चे रहते हैं ना, जैसे उसके हाथ में दिन भर मोबाइल, तो वो कुछ मतलब कुछ लेना देना नहीं रहेगा उसको, वैसा वाला चीज़ है. ये कौन सा है, ये आयरोली, आयरोली वाला यार टोल नाका. ओके, यहाँ पे कितना टोल है पता नहीं, शायद से 40 रुपीज़ होना चाहिए. यार ये टोल कहाँ पे जाता है पता नहीं चलता. एक रास्ते में तो खड्डे ही नज़र आते हैं हर बार. अभी वो मोदी जी ध्यान रखो ज़रा थोड़ा यार. नहीं मोदी जी आप ध्यान मत, बिल्कुल मत रखो, क्योंकि आप ध्यान रखते हो तो पूरी वाट लगा देते हो. चलो जाने दो, वो अपना टॉपिक ही नहीं है बात करने का. अपन सीधा निकलते हैं अभी. अभी ये टाइम लैप्स मैंने चालू करके रखा है. एक्चुअली एटमॉस्फेयर अच्छा है, लेकिन ये जो गाड़ी के बीच में जो प्लास्टिक है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी व्यू लेने में. और मैं आपको बारिश और ये ट्रैफिक की वजह से इतने हाल हो चुके हैं, बहुत बोर हो चुके हैं अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग निकले थे 11 बजे. तो इतना सब सह के हम लोग अभी 2-3 घंटे के बाद पहुँचे, तो इसके लिए इसको बहुत हंसी आ रही है. हम लोग बहुत बोर हो चुके थे एक्चुअली, लेकिन बारिश और ट्रैफिक की वजह से आधे घंटे का रोड हमने ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में ख़त्म किया है. तो अभी हम एकदम नज़दीक आ गए और चलो देखते क्या है. तो ये है अरुणवाल में जो डोंबिवली में जो अरुणवाल का प्रोजेक्ट है उसका 1 BHK फ्लैट. एंड मैंने जो देखा एक्चुअली वो एरिया इतना मतलब बड़ा नहीं है. एक्चुअली 450 का कारपेट एरिया है, 450 और 480 ऑलमोस्ट. लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, प्राइसिंग है एरिया के हिसाब से बहुत थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे इंडिविजुअली. लेकिन एमिनिटीज़ बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं. जिम है, पार्किंग लॉट्स है, गार्डन्स है, हर दो टॉवर्स के बीच में एक गार्डन है. फिर स्कूलिंग है एंड अगेन स्विमिंग पूल्स एंड ऑल दैट थिंग्स. सो एमिनिटीज़ बहुत अच्छे प्रोवाइड किए हैं इन लोगों ने. हालांकि मेरे को एरिया जो है लिविंग एरिया वो थोड़ा सा कंजस्टेड लगा, और ठीक है जिनके पास है तो इट इज़ दे एज दे प्रोवाइडेड द गुड एमिनिटीज, इट इज़ गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स दे कैन मेंटेन. सो अगर है तो ले लो भाई.
हेलो गाइस, तो मैं अभी एड देख के आ चुका हूँ। चुका हूँ और बहुत थक चुका हूँ। दिख नहीं रहे, फ्रेश लग रहा हो? धो के आए हो? एक्चुअली फ्रेश हो के आए हो, बट बहुत बहुत थका हूँ आज। और ये बाल भी बहुत बढ़ चुके हैं आज आज, और ये बियर्ड भी पीले सफ़ेद भी हो गई, तो इसको अभी आज मैं काटने जाता हूँ। अभी जाता हूँ मैं, और फिर मिलते हैं विथ द न्यू लुक, क्योंकि बहुत बढ़ चुके हैं। देखिए बहुत बढ़ चुके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यादगार है पूरे। बहुत गंदे लग रहे हैं अभी अभी तो, कभी कभी वो ठीक से सेट भी नहीं हो रहे, तो इसके लिए अभी चलो चलते। हेलो गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैंने अभी ये मेरे बियर्ड निकाली हुई है, और थोड़ा सा हेयर कट तो नॉर्मल है, चलो ठीक है, हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन ये बियर्ड मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद निकाली हुई है, तो इट इज़ लुकिंग काइंड ऑफ वियर्ड। थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट थोड़ा सा फ्रेश भी महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद निकाला हुआ है। तो आपको मेरा मतलब कैसा लगा ये नया वाला लुक, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अगर आप ये अब तक वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत लंबा आपने वीडियो अभी तक देख चुके हैं। अगर इतनी नॉनसेंस रह सकते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, तो ज़रूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसे लगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो वो भी कमेंट में प्लीज़ बताना, ताकि हम लोग अच्छे से वर्क कर पाए उसके ऊपर। तो सी यू सून एंड टेक केयर।